कभी भी अपने सेलर अकाउंट को डायरेक्टली लॉन्च मत कीजिए। ये छोटी सी मिस्टेक लगभग हर सेलर करता है। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लाइव डेमो के साथ स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं कि कैसे आप Amazon सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अकाउंट क्रिएट करते समय आप अपने पास अपनी बैंकिंग डिटेल, टैक्स डिटेल, पर्सनल डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल और इन्वेंट्री डिटेल को अपने पास में लेकर बैठिए। अमेजोन का जो ट्रेडिशनल सेलर अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस है उसमें थोड़े से चेंजेस हो गए हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी अपने सेलर अकाउंट को डायरेक्टली लॉन्च मत कीजिए। इसके पीछे का जो रीजन है इसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम चलते हैं लाइव डेमो में और देखते हैं कैसे आपको अमेजोन सेलर अकाउंट क्रिएट करना है। आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है sellercentral.amazon.in। आप अपनी कंट्री के हिसाब से डोमेन नेम चेंज कर सकते हो, लाइक यूएसए के लिए .com, यूएई के लिए .ae आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको क्लिक करना है स्टार्ट सेलिंग पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको एक नए पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पर आपको साइन इन करने का बोलेगा। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको सबसे नीचे क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको एक नए पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका नाम डालना है, जो आपका पर्सनल नेम है वो यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डालना है, जो कि टोटली न्यू है अमेजोन पे, एज अ बायर भी यूज नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, एटलीस्ट 6 करेक्टर का आपको क्रिएट करना पड़ेगा। डिटेल्स डालने के बाद आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको एक नए पेज पे लेके जाएगा। यहां पर आपको एक पजल देगा सॉल्व करने के लिए। आपको क्लिक करना है सॉल्व पजल पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको कुछ गैलेक्सी की इमेजेस देगा जो कि आपको चूज करनी है। जैसे मैं यहाँ पे एक ये कर रहा हूँ, उसके बाद अगेन मुझे दूसरा ये वाला करना है और इसके बाद एक और इमेज मुझे ये चूज कर लेनी है। तो ये मेरा देखिए पजल सक्सेस हो जाएगा। अब मुझे ये ओटीपी नंबर डालने का बोलेगा, जो मैंने मोबाइल नंबर दिया है उस पे एक ओटीपी आएगा जो यहाँ पे मुझे शेयर करना है, जो कि ये मैं डाल देता हूँ। और फिर आपको क्लिक कर देना है क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट। नेक्स्ट आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड वो डालना है जो आपने स्टार्टिंग में क्रिएट किया था। ये करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे अगेन आप तो देखिए मेरे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। कंपनी या बिजनेस नेम में आपको अपने फर्म का लीगल नेम एंटर करना है, जो जीएसटी के साथ रजिस्टर्ड है। इसके बाद आपको ये जो सेलर एग्रीमेंट है यहाँ पे चेक करना है। आप ये जो बाकी की डिटेल्स दे रखी है अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। इसके बाद आपको क्लिक कर देना है कंटिन्यू पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ये थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके डिटेल्स को वेरीफाई करने में। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इसमें सबसे पहले स्टोर नेम में आप अमेजोन पे जिस नाम से अपना शॉप या फिर स्टोर क्रिएट कर रहे हो वो नाम आपको डालना है। नाम डालने के बाद आपको चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना है। अगर ये ग्रीन में आता है मीन्स अवेलेबल में अवेलेबल है, अगर रेड में आएगा तो ये अवेलेबल नहीं है, आपको कोई और डालना पड़ेगा। नीचे आपको अपने प्राइमरी कैटेगरी को चूज करना है। यहाँ से जैसे आप कोई भी अपनी प्राइमरी कैटेगरी ले सकते हो। इसके नीचे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस डालना है, अपना पिन कोड, एड्रेस लाइन 1 2, अपना सिटी स्टेट और अपना कंट्री। उसके बाद फिर आपको क्लिक कर देना है कंटिन्यू पे। नेक्स्ट पेज पे आपको शिपिंग मेथड सेलेक्ट करने हैं। टोटल 3 मेथड होते हैं शिपिंग के। यहाँ पे सबसे पहला आपको एफबीए दे रखा है, यानी पैकिंग और डिलीवरी दोनों अमेजोन करेगा, आपको अपना स्टॉक वेयर हाउस में रखवाना पड़ेगा। दूसरा होता है ईजी शिप, यानी पैकिंग आपको करना है, डिलीवरी अमेजोन करेगा। और सेल्फ शिप का मतलब होता है पैकिंग और डिलीवरी दोनों आप ही को करना है। तो यहाँ से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो, आप इनको बाद में चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ईजी शिप ले रहा हूँ। अगर आप कोई दूसरा एड्रेस देना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपने सेम ही एड्रेस रखना है तो फिर आप इसको चेक मत कीजिए। इसके बाद आपको क्लिक कर देना है नीचे नेक्स्ट पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ये आपको नए पेज पे लेकर जाएगा। ये फिर आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने के लिए बोलेगा।
आपको यहाँ पर क्लिक करना है इनेबल टू स्टेप वेरिफिकेशन पे। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, आप वाया टेक्स्ट या फिर वॉइस डिलीवरी के थ्रू ओटीपी रिसीव कर सकते हो। अगर आपको अपने मोबाइल पे टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं करना है तो आप ऑथेंटिकेटर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट वे होता है। नंबर डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा जो कि यहाँ पर एंटर करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये आपको नए पेज पर लेकर जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे नीचे जाना है, आपको यहाँ पर डोंट रिक्वायर ओटीपी ऑन दिस ब्राउजर पे चेक करना है और उसके बाद आपको आई गॉट इट इस पे क्लिक कर देना है, प्लीज़ टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो ये देखिए आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगा। अब आपके दो स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। तीसरे स्टेप में आपको अपनी टैक्स डिटेल डालनी है, आपका जो स्टेट और सेलर लीगल नेम है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नीचे आपको अपना जीएसटी नंबर डालना है, अगर आप किसी एग्जाम कैटेगरी में सेल कर रहे हो तो आपको यहाँ पर चेक कर देना है। अगर आप जीएसटी नंबर डाल रहे हो तो आपका पैन कार्ड नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अगर आप अपना जीएसटी नंबर नहीं डाल रहे हो तो आपको अपना पैन कार्ड एंटर करना पड़ेगा। ये करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके तीन स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं, फोन वेरिफिकेशन, सेलर इन्फॉर्मेशन और टैक्स डिटेल। इस पेज पे आपको सबसे पहले प्रोडक्ट लिस्टिंग का बोलेगा, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सेलर सेंट्रल से लिस्टिंग कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हो या फिर आप इसको बाद में भी कर सकते हो, बट पहले आपको नीचे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको भरनी रहेगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले दे रखा है शिपिंग फी डिटेल्स। शिपिंग फी में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला ऑफर फ्री शिपिंग, यानी आप कस्टमर को फ्री में शिप कर सकते हो। आपको सिंपली आपका जो सेलिंग प्राइस है उसमें डिलीवरी चार्जेस को ऐड कर दीजिए तो ये फ्री शिपिंग हो जाएगा, और अमेजोन पे कस्टमर्स को आपके सेलिंग प्राइस के साथ दिखेगा फ्री शिपिंग। तो ये काफ़ी अच्छा सेल स्ट्रेटेजी है, इससे सेल भी अच्छा आता है और कस्टमर परचेज भी ज़्यादा करते हैं। दूसरा है सेट फी, आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो आप लोकल, रीजनल और नेशनल के हिसाब से आप अपनी रेट सेट कर सकते हो। ये पर ऑर्डर में आपको रेट सेट करना है। ऊपर आपको इजी शिप के चार्जेस मिल जाएंगे, लोकल के लिए 27 रुपीज़, 45 रुपीज़ आपका रीजनल और 65 नेशनल शिपिंग चार्ज होगा। आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो और इसके बाद आपको सिंपली सेव पे क्लिक कर देना तो ये जो शिपिंग फी डिटेल है ये ग्रीन में आ जाएगा। बैंक अकाउंट डिटेल्स में अकाउंट होल्डर नेम, अगर बैंक अकाउंट आपके नाम का है तो आपका नाम डालिए, अगर बिजनेस नेम से है तो आपको बिजनेस का नाम डालना है। अकाउंट टाइप आइदर सेविंग या करंट, दोनों में से आप एक अकाउंट चूज कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन ओवरड्राफ्ट का भी दे रखा है। उसके बाद आपको अपने अकाउंट नंबर डालने हैं, उनको वापस से री एंटर करना है। नीचे डू यू हैव IFSC कोड में आपको यस करना है और आपको अपना IFSC कोड डाल के वेरीफाई IFSC करना है, और ये होने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। आपका बैंक अकाउंट डिटेल ग्रीन में आ जाएगा। अगर आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल को अपडेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। एंटर टैक्स डिटेल में जो आपने GST नंबर और पैन नंबर डाला है वो रहेगा। बहुत सारे सेलर्स को अमेजोन एक OTP भेजता है, ये OTP जो सेलर्स के GST के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे भेजता है, तो अमेजोन बहुत बार आपसे ये OTP मांगेगा। अगर आपसे मांगता है तो आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा, अगर आपसे नहीं मांगता है तो आप डायरेक्टली प्रोसीड कर सकते हो, बट अगर आपसे मांगता है तो आपको वो OTP यहाँ पे डालना है, उसके बाद ही आगे आप फिर प्रोसीड कर पाओगे। डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड में आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो GST स्लैब लगता है वो आपको एंटर करना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे GST के स्लैब दिए हुए हैं, तो इनमें से आप अपने प्रोडक्ट पे जो GST स्लैब लगता है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना है आई हैव रिव्यूड एंड एग्रीड टू अमेजोन टैक्स कैलकुलेशन मैथडोलॉजी, और उसके बाद आपको सेव कर देना है। अगर आपको नहीं पता है कि टैक्स कोड कहाँ से लेने हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, व्यू ऑल प्रोडक्ट टैक्स कोड से। उसके नीचे आपको सिग्नेचर के लिए बोलेगा, सिग्नेचर आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं अपने माउस से। अगर आपको अपलोड करना है तो आप एक वाइट पेपर पर अपने साइन कीजिए, उसका फोटो लीजिए, उसको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सेव कर दीजिए
और उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। ये करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। सभी डिटेल्स पे ग्रीन टिक होने के बाद आपको पेज के ऊपर जाना है। यहाँ पर आपको स्टार्ट लिस्टिंग का जो टैब है उस पर क्लिक करना है। ये फिर आपको नए पेज पर लेकर जाएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट को कॉपी करना चाहते हो तो आप या ये जो सिंपली सर्च बार है यहाँ से आप प्रोडक्ट को सर्च करके फिर आप ओवरलैपिंग लिस्टिंग कर सकते हो। अगर आप कोई यूनिक प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। इन दोनों पे मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हुए आप देख सकते हो। और जो बल्क टूल है उस पर एक सेपरेट वीडियो आएगा, तो वो भी आपको फ्यूचर में मिल जाएगा। अगर आप शेल्फ शिप या इजी शिप मॉडल ऑप्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी का अच्छे से लिस्टिंग कीजिए प्रॉपर डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट्स के साथ। और एक बार लिस्टिंग हो जाने के बाद आपको 24 आवर्स वेट करना है, और जैसे ही ये 24 आवर्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद आपको लॉन्च योर बिजनेस पे क्लिक कर देना है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपकी लिस्टिंग और आपके अकाउंट को अमेजोन के एल्गोरिथम में आने का टाइम मिल जाएगा, और जब भी कोई नया सेलर लॉन्च होता है तब अमेजोन उस सेलर और उनके प्रोडक्ट्स को एक काफी अच्छा बूस्ट देता है, तो इस इनिशियल बूस्ट का आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप एफबीए मॉडल ऑप्ट कर रहे हो तो सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग कीजिए, उसके बाद शिपमेंट बनाइए और अपने प्रोडक्ट्स को वेयरहाउस में भिजवा दीजिए। और जैसे ही आपके प्रोडक्ट्स रिसीविंग स्टेज में आ जाते हैं उस समय आप अपने अकाउंट को लॉन्च कीजिए। उस समय आपको जो लॉन्च ऑफ बिजनेस वाला आपको जो टैग मिलेगा उस पे आपको क्लिक कर देना है। ये आपको वाया मेल भी मिलेगा और आपके जो सेलर सेंट्रल का होम पेज है वहां पर भी आपको दिखेगा, लॉन्च ऑफ बिजनेस के नाम से आपको ये टैब दिखेगा। अगर आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आपके अकाउंट और प्रोडक्ट को काफी अच्छा बूस्ट मिलेगा और आपको इनिशियल सेल्स भी आएगा। आई होप ये वीडियो आपके बिजनेस में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।